नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मारवाड़ी रीना किचन पे। आज मैं बनाऊंगी पास्ता, तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने एक कटोरा पास्ता लिया है, एक शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है, एक प्याज को भी मैंने इस तरीके से कट किया है, दो हरी मिर्च और लहसुन को भी कट कर लिया है, और यहाँ एक टमाटर को भी मैंने कट किया है। आप चाहे तो टमाटर और प्याज की प्योरी भी बना सकते हो, लेकिन मैंने दरदरा रखा है। गैस पे चढ़ाएंगे अब एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे लगभग 1 लीटर के पानी। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें नमक डालेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हम पास्ता। ठंडे पानी में कभी पास्ता नहीं डाले, पानी थोड़ा गर्म हो जाए तभी ऐड कीजिए। अब हम हाई फ्लेम पे इनको 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा कि कहीं नीचे पास्ता लग नहीं रहे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे पता लगाएं कि हमारे पास्ता उबले हैं या नहीं, तो इस तरीके से आप कट कीजिए। आसानी से कट हो रहे हैं तो मतलब कि हमारे पास्ता हैं उबल चुके हैं। अब हम इसमें से इस तरीके से बॉईल पास्ताओं में से पानी निकालेंगे, ये पानी आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। अब पास्ताओं को हम छलनी में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। गैस पे चढ़ाएंगे हम कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम जीरा। हमें यहाँ जीरे को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कटे हुए प्याज, और प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, मैंने कम तीखी मिर्च यूज करी है, और साथ ही में ऐड करेंगे यहाँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने थोड़ा बड़ा साइज में कट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी सब्जी ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टमाटर। आप यहाँ पे बीन्स, कैरेट, ब्रोकली जैसे कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती। अब इसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम पास्ता बॉईल किए थे तब जो पानी निकाला था हमने वो, और सब्जी को हम पकाएंगे इस तरीके से ढक्कन लगा के। हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। और ढक्कन हटा के देखते हैं, ये देखिए हमारा मसाला और सब्जी दोनों पक चुके हैं। यदि आपको यहाँ आपने ज़्यादा सब्जी डाली है और पकी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और सब्जी को पका लीजिए, पर सब्जी पकाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये पास्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ मिर्ची कम ही यूज की है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे हम बॉईल किए हुए पास्ता, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारे खिले खिले हुए पास्ता हैं, एकदम बिल्कुल नहीं चिपक रहे, और इनको हम 2 से 5 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिल्कुल बिखरे बिखरे हुए पास्ता हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नहीं चिपक रहे। यदि आपके पास्ता चिपक रहे हैं तो बॉईल करने के बाद जब छानते हो तो उसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैजिक मसाला। मैजिक मसाला डलते ही पास्ते में जादू सा हो जाएगा, एकदम बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। अब इसमें ऐड कर दिया है मैजिक मसाला। आप यहाँ पर कोई सा भी मसाला ऐड कर सकते हो, जैसे नूडल्स मसाला, गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप यहीं पे डाल सकते हो टमाटर केचप, जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। यदि आपको पसंद है तो आप डालिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको अब सर्व करके दिखा रही हूँ पास्ता। ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने ना पास्ता, बिखरे बिखरे बहुत ही टेस्टी बने हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे आप टमाटर केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। मैंने टमाटर केचप ऐड नहीं किया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।